हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि ठीक होंगे। तो आज हम निकले हैं शॉपिंग के लिए। शॉपिंग किसकी? शॉपिंग हमारी नहीं है, शॉपिंग है कान्हा जी की, क्योंकि जन्माष्टमी है। तो आज है 6 तारीख और हम मनाएंगे जन्माष्टमी 7 तारीख में। तो बहुत लोगों ने 6 में भी मनाई होगी, पर हम 7 में मना रहे हैं। यहाँ पे जो है सब ज़्यादातर 7 में ही मनाएंगे। आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि आपने 6 में मनाई है या 7 में मनाई है। तो हम निकले हैं मार्केट में कान्हा जी की शॉपिंग के लिए, और बहुत बढ़िया यहाँ पे मार्केट सजी हुई है, बहुत अच्छा दुकानें बहुत अच्छी सजी हुई है। तो चलिए, मैं अपने ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो पूरी मार्केट इतनी अच्छी सजी हुई है कि मन कर रहा है बस पूरी मार्केट पहले घूम लो। और लेकिन यहाँ पे भाई कान्हा जी के कपड़े से लेके झूले सब इतने महंगे हैं, मतलब क्या बताऊँ, लेकिन मज़ा आ रहा है। चलिए, तो शॉपिंग जो भी मैं करूँगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने कान्हा जी क्या शॉपिंग की है। तो चलिए मिलते हैं, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अरे तेरा कपड़े दिखा दे। 7 साल में ये बच्चे के लिए क्वेश्चन क्वेश्चन ये बोलो देखो आप भैया करते हैं। पापा को भी दिखा दिया था वीडियो का नंबर। कितने बड़ा आसन है? ये देखो छोटे में छोटे में भी 450 का आया था। हमारे किसी नहीं गए तो ये पिंक वाला जैसे बड़ा है ना, वैसे ही चलेगा। पर ये वजन कह पाएंगे क्योंकि भारी है ना ये खाना जी। हाँ वो तो है, हमें मटकी भी लटका देंगे, मटकी भी लटका देंगे। मटकी होगी देखा दिखे? हाँ दिखे होगा, मेरे क्या पता, हम तो कैमरा बेच ये है ना आगे से बगल में घूम रहे हैं। कितना प्यारा लग रहा है। मक्खन भर दो कान्हा जी के सामने रख दो, है ना सुंदर लग रहा है ना। फ्रेश है ना डिज़ाइन, भगवान जी का डिज़ाइन है ना। चलो है। आज शॉपिंग करके आ गए हैं, कान्हा जी की शॉपिंग करने गए थे, और मार्केट जो है पूरी बहुत अच्छे सजी हुई थी और मज़ा भी बहुत आया शॉपिंग करने में भी। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा मतलब रश इतना था, इतना रश था, बहुत ज़्यादा रश था। तो हम लोग तो फिर भी बहुत लेट नाइट ही गए थे, मतलब बहुत रात करके ही गए थे, तो फिर भी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम लोग क्या क्या लेकर आए कान्हा जी के लिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम आपको ड्रेस दिखाएंगे कान्हा जी की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कान्हा जी की 2 ड्रेस लेकर आई हूँ। तो
इसमें से हम कान्हा जी को जो है कल ये वाली ड्रेस पहनाएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ड्रेस कैसी लगी। तो कल के लिए हम ये वाली ड्रेस लेकर आए हैं, और जो ये वाली ड्रेस है ये हम पहनाएंगे कान्हा जी को छठी वाले दिन। तो जब हम लोग ड्रेस चूज़ कर रहे थे, ड्रेस चूज़ करते वक्त भी हमें समझ में नहीं आ रहा था कैसी ड्रेस ले, कौन सी ड्रेस ले, क्योंकि ड्रेस जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी बहुत थी, मतलब बहुत अच्छा वर्क में बहुत महंगी महंगी ड्रेस भी थी। तो सब चीज़ सोच समझ के लेना पड़ता है। तो हमने ये वाली ड्रेस ली है और ये हमें पड़ी है 270 की। तो 270 में हमें बहुत अच्छी ड्रेस मिल गई है, आप देख सकते हैं, लग रही है ना बहुत प्यारी। इसमें देखना हमारे कान्हा जी बहुत प्यारे लगेंगे। और जो ये वाली ड्रेस है, सबसे पहले हमें यही पसंद आ रही थी, ये तो हमने बाद में देखी, तो पहले हमें यही पसंद आ रही थी तो सोचा चलो इसको ही ले लेते हैं। लेकिन मेरा फिर भी मन नहीं इसमें मान रहा था, क्योंकि इसमें क्या है, बस इसमें लेस ही लगी हुई है, बाकी तो बीच में बस कॉटन का कपड़ा ही है। तो इसीलिए फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा और ढूंढा कि और इससे अच्छी ड्रेस क्या मिल जाए, तब जाकर हमें ये वाली ड्रेस मिली है। तो हम फिर ये वाली ड्रेस लेकर आए, और ये वाली फिर हमने ड्रेस ले ही ली है क्योंकि हमें छठी में भी पहनाना था, तो हमने फिर इसे भी ले लिया। और ये हमें पड़ी है 110 की। तो ये दो ड्रेस हो गई कान्हा जी की। अब इसके साथ हम और क्या क्या कान्हा जी के श्रृंगार के लिए क्या क्या हम लेकर आए हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे है मेरे से कितना प्यारा मुकुट, अभी मैं आपको बहुत चीज़ें दिखाऊंगी, पहले मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। सामान तो बहुत कुछ है। ड्रेस के साथ हम लोग जो मुकुट लाए हैं, ये वाला मुकुट लेकर आए हैं। तो हमने ये वाला मुकुट थोड़ा सा कंट्रास्ट में लिया है, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो ड्रेस है वो पिंक कलर की है, और तो पिंक के साथ हमने लिया है एकदम कंट्रास्ट कलर, मल्टी कलर है, तो बहुत अच्छा लगेगा ये, क्योंकि सेम अगर पिंक कलर लेते तो फिर वो बिल्कुल सेम सा हो जाता, वो नहीं अच्छा लगता। थोड़ा सा कंट्रास्ट में लिया है, और ये सुंदर भी बहुत लग रहा है, ये देखिए, बताइएगा कमेंट करके कि ये भी कैसा लग रहा है। तो सुन करके दिखाओ उसको, ये देखिए बहुत प्यारा सा लग रहा है। और मुकुट भी बहुत ज़्यादा, मतलब सुंदर सुंदर मुकुट भी थे, और जितने सुंदर थे, जितना हैवी वर्क था उतना ही आप समझ सकते हैं, प्राइस भी उतना ही हैवी था। तो हम लोगों ने ये वाला मुकुट जो है लिया है 300 में लाए हैं ये वाला मुकुट भी। तो ये देखिए 300 में ये वाला मुकुट है ना, बहुत प्यारा। तो ये हो गया कान्हा जी का मुकुट। इसके बाद हमने लिया है, इसके बाद कंठी, हाँ ये हमने लिया है कान्हा जी की कंठी, जो गले में जो चोकर टाइप का पहनते हैं ना, तो ये वो चीज़ है जो गले में एकदम बंद सा हो जाएगा, तो बहुत प्यारा सा लगेगा जब हम ड्रेस के साथ ये पहनाएंगे। तो ये देखिए, और इसके साथ हमने लिया है एक लंबा सा भी सेट लिया है, चौकोर वाला जो हम गले का सेट पहनाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग ये पहनाएंगे लंबा वाला। तो जब हमारे कान्हा जी जब तैयार हो जाएंगे ना, तब देखिए कितने प्यारे लगेंगे। फिर हमने लिए हैं इनके केश, कान्हा जी के केश, और इसके बाद हमने लिया है ये बांसुरी। बांसुरी भी बड़ी सुंदर सी है, तो देख सकते हैं आप। और इसके बाद हमने लिए हैं हाथ के कड़े, और इसके बाद लिए है कानों की टॉप्स। बाली भी देखी थी, पर हमने बाली नहीं ली है, क्योंकि बाली जो है ना पहनाने के बाद वो लटक सी जाती है, तो ड्रेस के साथ बालों के साथ वो छुप जाती, पता नहीं चलता। तो हमने इसलिए बाली नहीं ना लेके हमने टॉप्स लिया है। और इसके बाद लिया है हमने मोर पंख, और ये जो है कान्हा जी का छोटू सा अंडरवियर, बहुत प्यारा सा है कितना क्यूट सा लग रहा है, बहुत क्यूट सा है। तो ये हो गए इनकी कान्हा जी की जो है पूरी शॉपिंग जो है, ये ही है इनकी, एक एक चीज़ हमने ली है और हर साल लेते हैं,
इसी तरीके से हर साल लेते हैं हम लोग। और ये इनका जो कहते हैं ना बिछोना, जिसपे बिछोना सब बिछा के फिर हम इस पर कान्हा जी को बैठाएंगे, तो ये भी हमने नया लिया है। तो ये है कान्हा जी की पूरी शॉपिंग, आप देख सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सारी शॉपिंग कैसी लगी, आपको ड्रेस कैसी लगी, आपको मुकुट कैसा लगा। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल का नाम है दीपाज लाइव ब्लॉग, तो आप यूट्यूब पे भी आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्योंकि जन्माष्टमी का ब्लॉग है तो अभी इसमें बहुत सारे पार्ट्स भी आएंगे, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग है, कान्हा जी की शॉपिंग ब्लॉग है ये। इसके बाद हमने किस तरीके से तैयार किया कान्हा जी को, किस तरीके से तैयारियां की है, वो उन सब का भी ब्लॉग आएगा। तो आप लोग हमारे ब्लॉग को प्लीज़ पूरा देखिए, इंजॉय कीजिए। और कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉगिंग आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं।